जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपका श्री राम वनवास यात्रा के एक और नए अध्याय में। और वर्तमान में मैं अभी हूँ दशरथ घाट, आप इसे दशरथ घाट या दशरथ कुंड कह सकते हैं। कल मैंने आपको ये जगह पूरा दिखाया था, मतलब आज एक मैं संक्षेप में इस जगह के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है दशरथ घाट, ये वो जगह है जहाँ श्री राम जी वनवास यात्रा के दौरान जब गुजर रहे थे तो वो इस जगह पे आए थे। तो यहाँ पे उनके मन में ना आभास हुआ कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है, इसलिए ऐसा मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पे अपने पिताजी का पिंड दान किया था और सीता जी लक्ष्मण जी को बिना बताए चुपचाप पिंड दान किया था। तो अभी आप देख रहे हैं दशरथ कुंड में पहाड़ों पे बनाए गए कुछ हस्तशिल्प मूर्तियाँ जो कि बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक है। जब आप इस पवित्र स्थान पर आएंगे तो ये मूर्तियाँ आपका ध्यान काफ़ी आकर्षित करेंगी, क्योंकि ये हमारे पौराणिक सभ्यताओं के ऊपर आधारित है। और ये झरना का पानी तो आपको पता ही है, ये पहाड़ों की श्रृंखलाओं से कहीं से आ रही है जिसका किसी को भी ज्ञात नहीं है। और इन विभिन्न मूर्तियों को देखने से हमारे सनातन धर्म की पहचान होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना और कितना सांस्कृतिक। तो स्नान वगैरह जो है ना कंप्लीट हो गया और बाबा जी जो है ना हमारे लिए भी चाय बना रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं श्री राम जी का चरण पादुका, जो कि श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास द्वारा स्थापित किया गया है। हर एक उस स्थान पर जिस जगह पर श्री राम जी के चरण पादुका पड़े हैं, और इसके शोधकर्ता हैं डॉक्टर श्री राम अवतार जी, जिन्होंने 40 वर्ष शोध किया है। बाबा देखिए अदरक पीस रहे हैं और चाय के लिए एकदम मतलब अलग ही लेवल का। और मैं अभी जो है ना नींबू लेके आया हूँ पेड़ से तोड़ के, छोटे छोटे, क्या खुशबू है इन नींबूओं। ये जो चाय है ना, ऐसे चाय आपने कभी पी नहीं होगी, बिल्कुल ही अलग। तो पंडित जी से विदा लेने के बाद अब इस जगह को 25वें स्थान से विदा लेने का समय आ गया है। काफ़ी यादें जुड़ गई इस जगह के साथ, और भविष्य में अगर हो सके तो मैं दोबारा ज़रूर यहाँ पे आऊँगा। सामने ये जंगल थी एक बार, और लास्ट बार आपको दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे मंदिर थी। तो जा रहे हैं हम इस जगह को बाय बाय बोल के, और आगे रास्ते कुछ ऐसे हैं, जंगलों में है थोड़े से रास्ते, अभी 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो चल के पहुँचते हैं, सीधा आपसे पहुँच के बात करते हैं। और ये पैदल यात्रा जो इस मंदिर से बाहर की ओर था, ये बहुत ही सुगम और आनंदित था, क्योंकि हम हरियाली भरे जगहों से इस जगह को पार कर रहे थे। जय श्री राम। तकरीबन 4 किलोमीटर चलने के बाद ये मेरा पहला स्टॉप है। काफ़ी कंधे सूज गए हैं, तो इतना ज़्यादा भी चलना, पूरा टी शर्ट वगैरह भींग गया है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना बनता है। नहीं तो मैं जा भी सकता था आगे, लेकिन बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वीकनेस आ जाएगा। तो बैग मैंने यहाँ पे रखा है अभी, और ऐसे नज़ारे हैं तो यहाँ से पानी पीते हैं, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिहाइड्रेशन के लिए। तो पानी पीते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जी दशरथ कुंड जिस गाँव में था ना खंडेरा में, वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए हैं हाईवे पे, चित्रकूट हाईवे पे, और ये रास्ता सीधा चित्रकूट को जाता है। हाँ, मुझे अभी जाना है रामनगर, तो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर है। तो अभी आप देख रहे हैं राम द्वय, जो कि है रामनगर में, और यह एक सड़क किनारे स्थित है, एक सुंदर से तालाब के किनारे। इसी जगह प्रभु श्री राम ने चित्रकूट जाने से पहले कुछ क्षणों के लिए विश्राम किया था। तो यह है यहाँ का इतिहास। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अभी फिलहाल हम हैं यहाँ पे राम द्वय रामनगर में, और यहाँ का इतिहास तो अभी आपने जाना ही। यहाँ से आगे हमें जाना है लालापुर वाल्मीकि आश्रम, वो यहाँ से तकरीबन होगा कुछ किलोमीटर। तो ठीक है, यहाँ से भी चलते हैं आगे की ओर। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं वाल्मीकि आश्रम। पीछे में आप देख सकते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट प्रमुख द्वार यहाँ से है, और ये 28वां स्थान है वनवास यात्रा का। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं और सारा रहस्य बताते हैं। जय श्री। तो हम अब अंदर की ओर जा रहे हैं, सामने वहाँ पे है आश्रम, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो पहुँचते हैं वहाँ पे। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार, पहुँच गए हम, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सामने में जो है ना घना जंगल है, जब भी पतझड़ का मौसम है ना, तो सारे पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ के गिर गए, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जय श्री राम। उन पीछे वाले सीढ़ियों को पार करने के बाद आगे और भी सीढ़ियाँ हैं, मुझे पता ही नहीं था। तो अभी और भी कठिन चढ़ाई करनी है। ये सामने में आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, इन्हें भी चढ़ना पड़ेगा। जय श्री राम।
तो अभी आप देख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। ऐसा मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के पास आए थे और उनसे पूछे थे कि मुझे अपना वनवास किस स्थल पर काटना चाहिए। तो उनसे उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि आप चित्रकूट की ओर जाएं, वह एक पवित्र स्थल है, वहां पे अपना वनवास काटें। जय श्री राम। तो हम पहुंच गए हैं वाल्मीकि आश्रम और सामने में कुछ ऐसा नजारा है और वहां पे जो है ना पुजारी, आप ही यहाँ के पुजारी हैं? तो सामने में पुजारी जी बैठे हुए, वो हमें थोड़ा सा बताएंगे यहाँ के बारे में। और अभी आप देख रहे हैं वाल्मीकि जी की प्रतिमा रखी हुई मुख्य आश्रम, जहाँ वाल्मीकि जी तपस्या क्या करते थे, यहाँ उनकी प्रतिमा रखी गई है और नित प्रतिदिन उनकी पूजा होती है। अभी हम आश्रम में ही बैठे हुए, यही मुख्य आश्रम है ना, इसी जगह पे वाल्मीकि जी तपस्या क्या करते थे। और सामने में पूरे पत्थर पहाड़ है। चरण पादुका क्या वहाँ पे स्थापित है? अच्छा, चरण पादुका यहाँ पे स्थापित है, ये चट्टान में है ना। तो क्या है यहाँ का रहस्य, थोड़ा बताएं। ये तपोस्थली है वाल्मीकि जी की, यहाँ तपोभूमि है जी। और जैसे भगवान राम आए थे तो पहले यहीं आए थे, जो है वाल्मीकि आश्रम। और वाल्मीकि जी से पूछे थे कि हम कहाँ रहें, भगवान वाल्मीकि जी कहे थे राम भगवान से कि आप हैं कहाँ, नहीं मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। तुम तो मतलब कण कण में विराजमान है, हर उसमें पत्ते पत्ते में है, तो हैं कहाँ नहीं। लेकिन मतलब मानव जीवन में आए हैं, अलौकिक मनोकामना मतलब चाहते हैं जो है, तो ये चित्रकूट में आपको सुगम रहेगा, सबसे बढ़िया चित्रकूट में। तो आगे भेज दिए भगवान राम को, बस यही तपोस्थली है। फिर बाद में सीता माता को भी यहीं छोड़ा गया था, लौर को उसका जन्म यहीं हुआ था। तो वहाँ पे मंदिर देखने के बाद अब आपको हम तपस्या गुफा दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ है, जैसे वहाँ पे आश्रम है उसके जस्ट बाद में यहाँ पे तीर का निशान है। तो यहाँ से हम नीचे उतरते हुए आगे की ओर जाएंगे और आपको गुफा दिखाते हैं। तो अभी आप देखने जा रहे हैं वाल्मीकि जी का तपस्या गुफा। यहाँ पे तमाम ऋषि मुनि और वाल्मीकि जी तपस्या क्या करते थे और प्रभु का ध्यान क्या करते थे। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो पुराने वेदों को और पुराने हमारे धर्म से हमें जोड़ती है और उनके इतिहासों को संक्षेप में हमें समझाती है। इन प्रतिमाओं को ध्यान से देखने से आपको रामायण का इतिहास ज्ञात होगा और बोध होगा और उनकी कुछ कुछ कहानियाँ समझ में आएंगी। जय श्री राम। तो अभी आपने देखा महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम और अब हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, चित्रकूट मेन जगह। तो अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं, तकरीबन 250 सीढ़ियाँ थी तभी मैं जब ऊपर चढ़ा था, तो मेरे हिसाब से तो 250 सीढ़ियाँ होंगी, पता नहीं एग्जैक्ट कितनी सीढ़ियाँ हैं, ये तो अभी बनाई गई हैं, पहले तो ऐसे पहाड़ पर ही चढ़ के आना पड़ता था। तो ठीक है, अभी उतरते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। तो जी फाइनली मैं पहुंच गया हूं चित्रकूट कामतगिरी पर्वत के सामने में। काफ़ी टाइम लग गया यहां तक आने में, मैं रास्ते का वो उलझन आपको दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि आप बोर हो जाते हो। तो सामने में वो जो पहाड़ है, यही कामतगिरी का पहाड़ है और काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, तो पूरा रोड वोड यूपी गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो ठीक है, अभी चलते हैं, आज के रुकने का कोई इंतज़ाम देखते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम उस पावन धरती पर हैं जिसे कामतगिरी कहा जाता है, जो कि चित्रकूट में है। और तो हमें यहाँ पे कामतगिरी ट्रस्ट के द्वारा एक कमरा मिल गया है, काफी अच्छा कमरा है, देखें आप कुछ इस तरह से कमरा है और हमारे जस्ट आंखों के सामने में कामतगिरी पर्वत है। ऐसा मान्यता है कि अगर आप कामतगिरी पर्वत के परिक्रमा करते हैं तो आपकी आपकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं, या जो भी भक्त करता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो आज तो काफी ज्यादा थक गया हूं मैं, क्योंकि आपने देखा कि मैं कितना चला हूं आज, तो आज मैं नहीं जा रहा हूं परिक्रमा के लिए, कल सुबह जाऊंगा और आज यहाँ पर विश्राम करते हैं और कल आपको पूरा चित्रकूट दिखाएंगे। जय श्री राम।